हेलो नुबर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत करते हो टीएनसी स्पोर्ट्स के द्वारा प्रेजेंट किए गए विजय स्क्रीम्स के अंदर। सो आज का डेट 23 सितंबर और अपना जो सेकंड मैच जो स्टार्ट हो चुका है रेंगर वाला मैप, तो अगर आपने हमारा पहला वाला मैच चेक नहीं किया तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो एज यू नो हम आज का मैच हम स्ट्रीम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम इशूज, तो इसके वजह से हम आज का मैच रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर रहे हैं। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे वीडियो को लाइक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है और हमको पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो अभी टोटल 17 टीम्स अलाइव एंड टोटल 59 प्लेयर्स जॉइंड। तो अभी चेकआउट करते हैं कि स्पॉट्स कहाँ कहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। उसी वर्ने में मेरे को 2 स्पॉट्स उतरते हुए देखने को मिल जाएंगे। एज यूजुअल टीम नंबर 20 जो कि टीम एक्सट्रीम एंड टीम अर्बन गेमिंग उतरते हैं देखने में। अर्बन गेम यहीं पर ड्रॉप कर रही, टीम एक्सट्रीम भी यहीं पर ड्रॉप करे एंड एज टीम सीवी भी यहीं पर ड्रॉप करते हुए देखने मिलेगा। फैंटम एंड आर्सेनल यहाँ पर शॉप को लूट कर रहे हैं। यहाँ पर चेकआउट करते हैं अर्बन गेमिंग के स्कॉट कहाँ पर उतरे, थोड़े से दूर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर टीम एक्सट्रीम के स्कॉट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टीम सीवी। और यहाँ पर बीएसटी फ्री के साथ से रशिंग करेंगे विद द मिनी 14 के साथ। और यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि उनका नॉक वगैरह से कर पाते हैं। यहाँ पर एसटी के ओपी का यहाँ पे एक भी वेपन नहीं, यहाँ पर इंसेंट के साथ सिर्फ एक शॉटगन और एक्सर के म्यूट विद द क्रॉसबुक है, तो जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्लेयर का डिसेंट से भी लूट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर टीम काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड स्टडी खेलते हुए देखने मिल जाए। लेकिन फैंटम के साथ ऑलरेडी यहाँ पे एके एम मिल जाएगा। और आर्सेनल विद द वेक्टर एंड एके एम के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ऐसे टीपी भी लेने का मौका देख रहा था। और टीम एक्सट्रीम टीम तो अर्बन गेमिंग पर यहाँ पे मटन चॉप विद द स्कारलेट एंड शॉट गन, यहाँ पे इब्राहिम पर यूएमपी एंड एके एम का कॉम्बिनेशन। और फेनोमिनल पे चेकआउट करते कौन सी वेपन है, यहाँ पे स्कारल एंड साथ ही यूजी का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। और पर मारदूम ऑलरेडी यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं, फेनोमिनल स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सर के ऊपर से स्पॉट किया करके फिर रॉक काली, यहाँ पे रॉक के काली यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे भाई कॉस के अतोरी के द्वारा। यहाँ पे चेकआउट करते वो वाली फाइट कहाँ पे स्कूल के अंदर फाइट हो रही, टीम आर3 सॉरी माई बैड, यहाँ पे टीम कॉस की तरफ से नॉकआउट हुए थे लेकिन इफ आई एम नॉट या कॉस की तरफ से फिनिश हुए। टीम सीवी कार्सन यहाँ पर टीओजी के इंसेंट को नॉकआउट कर चुके हैं। वापस से बढ़ते हैं शिवरनी की तरफ, शिवरनी का फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टीओजी के इंसेंट को क्या रिवाइव मिल पाएगा, जी हाँ उनको रिवाइव भी मिल जा रहा है। लेकिन टीम अर्बन गेमिंग के स्क्वाड यहाँ पर रशिंग करते हुए तो शायद स्पॉट नहीं हो रही है, फिर मार दूंगा वगैरह शायद तोड़ तोड़ करके क्लोजिंग करेंगे और थोड़ा सा डिसेंट से लूट करने के बाद शायद फाइट को एंगेज करने का शायद डिसीजन आएगा। लेकिन यहाँ पे वेस्ट फ्री का भी लूट कर रहे हैं, यहाँ पे उनके आखिरकार उनको एक M16 देखने को मिली है। सर अपने M4 Mini 14 का स्विच आउट करते हैं। और हम बढ़ते हैं टीम सीवी के फैंटम वगैरह पे, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिल रहा है आज के मैच के अंदर। आज के मैच जैसे 2 बंदे ज्वाइन हुआ और लेकिन उनके सिर्फ एक वेक्टर देखने मिला आर्सेनल के पास, तो भी फिलहाल के थोड़ा सा सेफ खेलना रहेगा। और शॉटगन के साथ जोर से इतने से डिस्टेंस में तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो नहीं निकाल पाए। लेकिन मैक्स के अर्सू यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा इंसेंट के सेफ की दर्जी, यहाँ पे टीम इंसेंट वैसे टीम मैक्स की फाइट हो चुकी है। फिर नॉट रॉन्ग यहाँ पे जॉर्ज बोल की तरफ फाइट हो चुकी है। इंसेंट के साइड यहाँ पे मिस्टर काल का नॉकआउट कर चुके और अपने खाते में 2 किलो ऑलरेडी सिक्योर कर चुके। मैक्स के सिद्धू अगर मैक्स के नशू फिलहाल के फॉल बैक कर नहीं नशू फिलहाल के फॉल बैक कर रहे, सिद्धू काफ़ी ज़्यादा क्लोज है यहाँ पे एसटीएल के। और मिनी 14 का जरूर से इस वाले फाइट में एंगेज करते हैं कि नहीं, चेकआउट करते हैं थोड़ा सा ओवर ले लेते हैं, चेकआउट करते हैं कि पोजिशन वर्क कहाँ है। और अपने नॉर के डिस्पेर ने R3 यूजी को नॉकआउट कर सकते हैं। टीम टोरंटो फाइट में एंगेज करते हुए जो कि अपार्टमेंट के अंदर अपार्टमेंट तो 30 स्कॉट्स उतर चुके। हमें R3 के राधिका भी शायद 1 HP के सर्वे करें, फिर रेदन अपने प्लेयर को रिवाइज देते देखने मिलते। टीम कॉस यहाँ पर रशिंग करते हुए कॉस करते हैं राइजन वगैरह, जी हाँ रशिंग करते हुए सिर्फ से 2 बंदे ज्वाइन कर 2 बंदे के ऑलरेडी 1 किलो हो चुका। और टीम R3 के स्कॉट का हेलमेट करने की कोशिश कर रही है, जरूर से थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ा। लेकिन हमें ग्रेंड्स वगैरह कर दिए जा रहे हैं ग्रेंड्स या फिर स्मोक पे, तो ये नहीं पता लेकिन टीम 07 के सूरज ने अभी DMR के सागर को नॉकआउट कर चुके। और यहाँ पर R3 के जोर से अपने प्लेयर का रिवाइज देते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन R3 के उज्जे एक तरह से मेन बिल्डिंग में ट्रैप हो चुके, उनको यहाँ पर रिवाइज देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमें टीम टोरंटो की टीम R3 के रेडन का नॉकआउट कर दिया और R3 के रेडन का किल वगैरह सिक्योर करने सक्सेसफुली सिक्योर कर चुके। हम भी उनके प्लेयर का रिवाइज देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ पर राधिका कुछ टीम R3 के स्क्वाड अवेलमेंट हो जाएगा। हमें रॉकस्टार के द्वारा स्पॉट कर चुके और हमें टीम R3 स्क्वाड अवेलमेंट हो जाएगी एट द 17th पोजीशन। जैसे मतलब टीम DMR वैसे टीम 07 की फाइट हो चुकी है, टीम DMR टीम 07 की फाइट चेकआउट करते हैं। हमें मिलिट्री आइलैंड के तो फाइट है 07 के सिर्फ से 3 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं। हमें टावर से हमको अजू का पोजिशन वगैरह जोर से देखने को मिल जाता है। लेकिन DMR के प्लेयर जो कि एक बंदे ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके, DMR के सागर का किल वगैरह सिक्योर कर पाते हैं चेकआउट करते हैं। अभी 07 के रोमी वगैरह रोमी को सबसे पहले रिवाइव देखने को मिल जाता है। लेकिन DMR के प्रमोद काफ़ी बेहतरीन ग्रेड था, हमें डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन क्या एक तो परफेक्ट नेट आएगा तो तब तक के लिए यहाँ पे सेफ होंगे। और फिर रोमी को जरूर से रिवाइव मिल जाएगा। यहाँ पे वापस से बढ़ते अज्जू विद UMP 45 भी
डीएमआर के सागर को यहाँ पे सक्सेसफुल, जी हाँ यहाँ पे सागर अपने को सक्सेसफुल क्रॉल बैक कर चुका है और उनको रिवाइव भी मिल जाएगा काफ़ी बेहतरीन। स्मोक का कवर से यहाँ पे सोम मेकिंग अपने प्लेयर का रिवाइव देते हुए देखने मिल जाएगा। सागर को रिवाइव देना पड़ेगा तो 1 HP सर्वाइव कर रहे हैं और हमें टीम 07 वापस स्टैंडिंग हो जाएगी। अभी 3 मैच स्टैंडिंग अपने वापस से पुल आउट कर चुका है और थोड़ा सा डैमेज ले चुके हैं उनके यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उनके यहाँ पे एलिमेंट पूरी से डैमेज हो चुके हैं। सूरज के सूरज के सिर्फ एल्फकिट के यहाँ पर कुछ नहीं देखा। 07 का जो यहाँ डीआर के प्रमोद का नॉक निकालते हुए जी उनको स्पॉट आउट करते हुए उनका किले वगैरह सिक्योर करने में थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि चेकआउट करते हुए 07 का जो काफ़ी बेहतरीन अपने स्पॉट के लिए ऑफर दे रहे हैं यूजी के साथ। लेकिन उनके सेकंड वेपन के नाम सिर्फ एस्टोल के, तो एस्टोल के से ज़्यादा कवर फायर तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन स्मोक के पीछे डीमार के सागर को जरूर से रिवाइव मिल जाएगा और डीमार के प्रमोद को भी शायद रिवाइव भी मिल जा रहा है। और यहाँ पे टीम अचीवर्स के बंदे ने अभी टॉक्सिक वेनम को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं। टीम टोरंटो की स्क्वाड यहाँ पे फाइट में लेते हुए यहाँ पे चेकआउट करते हैं 07 के रोमी यहाँ पे फॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे इवेल्स के टीम डीमार के स्क्वाड के पूरे सारे सारे मेंबर्स को, लेकिन क्या उनको नॉक सिक्योर कर पाते हैं नहीं, जी ने अभी फिलहाल नॉक सिक्योर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे इवेल्स के डी वगैरह काफ़ी बेहतरीन टिप भी लेते हैं और यहाँ पे सोमे किंग भी सेम अपनी पोजिशन होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ 07 के रोमी को फॉर्ड कर दिए जाएंगे यहाँ पे स्पॉटर कर चुके, लेकिन काफ़ी बेहतरीन कवर कवर में आते हैं। लॉस्ट डेवल में पार्थ की किंग को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं। रोमी फिलहाल के ग्रेंड को कुक करते हैं, क्या ये ग्रेंड से नॉकआउट हो पाएंगे कि नहीं। अभी इवेल्स के डेवल फिलहाल को उनका अपनी पोजिशन से हटना पड़ा, लेकिन जी ने थोड़ा सा दूर फट गया था। लेकिन फिलहाल के स्मोक का कवर से टीम अपने कवर में लेके जाने की कोशिश, जी स्वामी अपने कवर में लेके जाए और यूके किंग भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे। यहाँ पे यूएस के डेब्यू भी अपने कवर में लेके आ जाए और हमें यूके किंग का किंग फिलहाल के लॉस्ट के जेरी के द्वारा सिक्योर कर दिए जाएंगे। और आखिरकार 07 का जो यहाँ पे आते कॉस्ट करें जाने रॉक स्टार के रॉकस्टार को नॉकआउट कर जाएगा और अभी भी हमें नॉक पे नॉक सिक्योर करने की कोशिश। हमें कॉस्ट कर दिए कॉस्ट हो जाएगा से 07 का जो स्पॉट आउट कर दिए जाएंगे। डीवार के सागर के और प्रमोद जरूर से किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश वगैरह चेक करते हैं। लास्ट के जाएंगे हम बचपन के पैर को नॉकआउट करते हैं। काफी सारे स्क्वाड देखते हैं सारी फाइट में एंगेज करते हुए देखने को मिल जाएगा। 07 का जो भी हमें यूज के डेवी की तरफ नॉक एंड फिनिश हो जाएगा। 1 मैन स्टैंडिंग 07 कर दिया हम पर स्प्रे स्प्रे और हमें, लेकिन 07 के रो में एक बंदे को जरूर से नॉकआउट करते हैं जो कि डीएमआर के प्रमोद और हम विद DP20 के साथ जरूर से उनके एक भी हेल्थ किट नहीं है तो फिलहाल के जरूर से टैप पैड देने की कोशिश करें और जरूर से प्रमोद का किल वगैरह सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा टस्ट आउट प्रमोद का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश। लेकिन डीयू की तरफ से कवर पर आ जाए और हमें टीम 07 स्क्वाड यहाँ पे 15% हेलमेट हो जाएगी और साथ ही पूरे मिलिट्री आइलैंड को टीम डीआर के स्क्वाड यहाँ पे कैपिटलाइज करते हुए देखने को मिल जाएगा और 1600 meters का डिस्टेंस चेकआउट करते कब यहाँ से निकले। लेकिन और हम बढ़ते टीम एक्सट्रीम से टीम सीवी के बीच अभी फाइट चल रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से एक स्क्वाड जो कि यहाँ से निकल चुके हैं कामेस की टीम लॉस की वजह से कुछ देर पहले फाइट देखा जाए उनके खाते में 3 के जा चुके हैं। वे टीम टपाटप के अभी एक बंदा सर्व करे द डेथ विद द DP20 के साथ टीम लॉस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। एक तरह से फाइट में एंगेज कर सकते हैं एंड इस वाले फाइट को एक आध दो किल्स वगैरह भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हमें टीम अच्छी वर्ष डी ओ का हम एक और बार नॉकआउट कर चुके हैं। यहाँ पर टीम टोरंटो की स्क्वाड के एक बंदे वापस से नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे FTW की स्क्वाड यहाँ पे जी यहाँ पे अपार्टमेंट आते हैं लेकिन सिर्फ वैसे सोलो बंदे टीम अचीवर के इस वाले मैच में सिर्फ सोलो ज्वाइन हुए। लेकिन चेकआउट करते हैं कि इस वाले वो उनके पूरी स्क्वाड क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए और फिलहाल के लिए लूट वगैरह कंटिन्यू करते हैं देखने मिल जाएगा। यहाँ पर DBS काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं। आपको पता है कि अपार्टमेंट DBS इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगर आपके अपार्टमेंट में वो वेपन है तो दूर से उससे रन कर सकते हैं। लेकिन टीम इंसेंट की स्क्वाड अभी इंसेंट के साहिल यहाँ पर नॉक एंड फिनिश ऑफ हो जाएंगे। जी यहाँ पे 7 नंबर स्लैम देते हैं इंसेंट के सेफ भी यहाँ पर नॉकआउट एंड ऐसे इंसेंट के एनवो भी यहाँ पर नॉकआउट है। टीम सीवी आर्सेनल की तरफ से एक ही वेक्टर के स्पेस है 3 बंदे नॉकआउट हो जाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिन्हें फैंटम ने एक किल वगैरह सिक्योर किया तीनों के तीनों टीम इंसेंट की स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी और अपने लिए डिसेंट सी लूट वगैरह सिक्योर करते हुए टीम सीवी की स्क्वाड रिकॉर्ड करते हैं। टीम एक्सट्रीम के इस वाले मोमेंट का क्या फायदा होता है, क्या उनके एक तरह से बैकस्टार देने की कोशिश कर सकते हैं। बेस्टी के ऊपर अपने यूएस हेड निकलते हैं और इंसेंट वगैरह टीपी देने की कोशिश और अपने प्लेयर के लिए कवर फायर देते हुए अभी सर के म्यूट भी सेम पर एग्रेसिव पुश वगैरह देखने को मिलता है फ्रेकी वगैरह साथ और टीजी के इंसेंट में आकर कर आते हुए उनको BST फ्री वर्ष में एक बंदे का स्पॉट आउट करते हैं। हमें दार डेथ का किल वगैरह सिक्योर करते हुए लॉस्ट के चेहरे के द्वारा बे फ्री की नजर से सीवी का आसमान नॉकआउट करते हुए FTW के चंदन रॉक स्टार को वापस से नॉकआउट कर चुके अपने को हील करने का टाइम देंगे। अब XR के म्यूट वगैरह से टीपी भी ले रहे जी अभी टीपी भी ले रहे और अभी टीम सीवी के अपने प्लेयर का रिवाइव देने को FTW के चंदन में नॉर्क डिस्पर का जिससे बोला DBS का कमाल दिखाते हुए नॉक एंड कर चुके नॉर्क डिस्पर और अभी टीम सीवी के स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी एट द 12th पोजीशन। यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन से उन्होंने एक तरह से 2v3 के 2v3 किया था लेकिन इस वाले मोमेंट 2v4 करना सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन फटाफट से बढ़ते हैं अपार्टमेंट में FTW के चंदन ने काफी सारे प्लेयर्स को हेलमेट किया था। जी उन्होंने एक तरह से 1v4 कर चुके जी FTW के चंदन ने 1v4 कर चुके टीम टोरंटो के सामने और अपने आप फिलहाल के इमोट्स वगैरह कर रहे जी टीम टोरंटो के स्क्वाड चंदन के द्वारा 1v4 काफी ज्यादा बेहतरीन इस वाले
इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर से मिस कर गए थे, लेकिन उनके तरफ से जो एग्रेसिव पुश वगैरह, अगर उनके क्लिप्स वगैरह तो जरूर से आप हमको शेयर कर सकते हो, और जरूर से आप हमको इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो जरूर से हमको टैग करना मत भूलना, और अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया है तो जरूर से उसका पोस्ट भी कर देना। तो चेक करते हैं अगर आपने रिकॉर्ड वगैरह किया है तो। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कास्टर चेंज थोड़ी देर के लिए, फिर मामा ओ पे विल बी ज्वाइनिंग सून, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट। लेट्स सी, यहाँ पे फाइट्स अभी इनिशिएट नहीं हो रही, एक ड्रॉप गिर चुका है, बट ड्रॉप में आई डोंट थिंक सो अभी तक लूट तो हो गई होगी। नो, ड्रॉप इज़ नॉट स्टिल लूटेड, और ड्रॉप में यहाँ पे उनके 14 प्लस सप्रेशर के साथ लेवल 3 के इक्विपमेंट्स देखने को हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी स्क्वाड यहाँ पे जो ड्रॉप को लूट करती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यसनाए के स्क्वाड्स, सेवरनी की स्क्वाड्स आ सकती हैं जो सबसे नज़दीक है ड्रॉप के, बट अब ड्रॉप का फ्लेयर जा चुका है, तो आई थिंक सो ड्रॉप विल बी अनलूटेड इन दिस मैच। स्टिल 35 प्लेयर्स लेफ्ट, और जोन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है ऑलरेडी। टॉप 10 प्लेयर्स एफ टू डब्ल्यू चंदन के यहाँ पे रॉकस्टार को नॉक आते हुए, रॉकस्टार टॉक्सिक मैन को एफ टू डब्ल्यू चंदन आई थिंक सो रुकने का नाम नहीं लेगा। एफ टू डब्ल्यू चंदन यहाँ पे लगातार 2 प्लेयर्स को, 4 प्लेयर्स को आई थिंक सो पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया इन्होंने। यस, एफ टू डब्ल्यू चंदन इज किलिंग इट गाइस, और यहाँ पे इस किलिंग इसके चक्कर में उन्होंने पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पे अभी देखते हैं दूसरी कौन सी स्क्वाड भी हमने उसी, आई थिंक सो मैक्स की स्क्वाड के बीच में भी फाइट हो रहा है कि कागे ओपी ने आई थिंक सो यहाँ पे एक स्क्वाड के बहुत, यस कागे ओपी ने यहाँ पे 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया, 3 प्लेयर्स को नहीं आई थिंक सो बाकी 4 प्लेयर्स और किसी से नॉक हुआ, क्योंकि कागे ओपी के पास तो यहाँ पे हमको 1 किल देखने को मिल रहा है आई थिंक सो, बाकी 2 किल और कहीं हुए मोस्ट वेबी, शायद दूसरे स्क्वाड्स के साथ भी इनका फाइट हुआ और एक और स्क्वाड्स के साथ इनका दूसरा। तो मैक्स आज नसीब के साथ नहीं चल पा रही, मतलब मैक्स के साथ आज नसीब नहीं दे पा रहा, तो क्योंकि मैक्स ऑलरेडी एक बार तो एक और फाइट में इनिशिएट हुई। आई स्टिल डोंट नो, क्या आप लोगों को पता होगा फाइट हो चुके होंगे, बट मेरे को नहीं पता क्योंकि टेन से मामा ओपी वॉज कास्टिंग दैट मैच इट दिस मैच, ही विल बी ज्वाइनिंग सून, बट टिल देन आई विल कंटिन्यू द कास्टिंग। सो यहाँ पे अभी कोई फाइट देखने को मिल नहीं रहा, जोन श्रिंक हो चुका है। लेट्स से यहाँ पे लॉस्ट का जो जोन रोटेशन हमको किस तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनको स्टाइलबर के पीछे से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। और यहाँ पे बाकी यसनाया पोलियाना पे 2 स्क्वाड्स आ रही है नज़दीक में, लेट्स सी यहाँ पे क्या फाइट होगा। नहीं, यहाँ पे फाइट देखने को मिला आई थिंक सो यसनाया पोलियाना के ऊपर वाले 6 हाउसेस के आगे से टर्न, यस मोस्ट प्रोबेबली वही हो रहा है। यहाँ पे रोटेशन जो हमको टीम टीएलजी की तरफ से देखने मिल रहा है आई थिंक सो एक गोड बिल्डिंग से आगे 6 हाउसेस के पास जा रहे हैं, और 6 हाउसेस के आगे से यहाँ पे हमको रोटेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी टीम जेड के भी यहाँ पे जा चुके हैं, मैक्स के भी आखिरी प्लेयर जो सिद्धू बच्चों को अभी इस जोन में होल्ड कर रहे हैं। और लेट्स सी यहाँ पे दूसरा ड्रॉप भी आया था, दूसरा ड्रॉप किसी ने लूटा कि नहीं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। यस, सेकंड ड्रॉप इज़ लूटेड, बट इसमें ऑग था, तो ऑग मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ऑग का जो लोडिंग टाइम है बहुत ज़्यादा ही है इस वजह से। और टीम लॉस्ट अभी भी जोन के बाहर अभी तक, लेट्स सी क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली अब तो इनके पास जो व्हीकल इनके पास ऑफकोर्स है, तो इन 3-4 व्हीकल हैं, 3 व्हीकल्स हैं इनके पास, तो अच्छा खासा रोटेशन हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा काम अब भी आ सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर सेवरनी जोन से निकल गया, तो जोन एक ओपन एरिया में बन सकता है, तो उस टाइम पे इनके पास जो व्हीकल्स हैं एज एन कवर काम आ सकते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पर फाइट्स तो अभी भी देखने को नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर टीम बेलस गैंग के नज़दीक में ही हमको एक स्क्वाड से, बट यहाँ पर नहीं, एफ डी डब्ल्यू के चंदन ने एक और गाड़ी से नॉक निकाल दिया। एफ टी डब्ल्यू के चंदन आई थिंक सो ये अचीवर्स हैं, अचीवर्स की स्क्वाड है, यस अचीवर्स की स्क्वाड के चंदन है, अचीवर्स के स्क्वाड के एफ टी डब्ल्यू चंदन बहुत ज़्यादा लो हैं, बट इनके खाते में ऑलरेडी 4 किल आ चुका है, एक को इन्होंने नॉक कर लिया, और गाड़ी से यहाँ से निकल रहे हैं ओपन में, बट लेट्स सी। तो इन्होंने जो गाड़ी से नॉक निकाला मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग किल होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे एस्केप तो कर चुके हैं एफ टी डब्ल्यू के चंदन, और एस्केप करके जहाँ जा रहे हैं उसके आगे भी एक स्क्वाड है, तो इनको थोड़ा और संभल के रहना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली इज़ नॉट एस्केपिंग, ये फिर वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर मैंने उनका एक नॉक आते हुए आई थिंक सो टीम यूजी यहाँ पे किसी फाइट में इनिशिएट कर चुकी है, और टीओजी को तो रिवाइवल मिला नहीं अभी तक आई थिंक सो। टीओजी मोस्ट प्रोबेबली जो नॉक हुए थे प्लेयर एफ टी डब्ल्यू चंदन के हाथों गाड़ी से, वही प्लेयर है। और इनके नज़दीक में टीम यूजी भी आ चुकी है, टीम यूजी
जी भी अब यहाँ पे फाइट में, टीम यूजी ने एक और प्लेयर को नॉक कर दिया। अब ये टीम मुश्किल में फंस चुकी है, स्लॉट 20 है, आई थिंक सो इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। दो प्लेयर्स आखिरी दो प्लेयर्स बचे, क्या आखिरी दो प्लेयर्स कट पाए, नहीं एक और प्लेयर नॉक यहाँ पे टीम यूजी की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा ओपी क्लच और चार के चार किल्स इनके खाते में जाते हुए। टीम यूजी के तीन प्लेयर्स नॉक हो गए थे, टीम यूजी के सिर्फ आखिरी एक प्लेयर बचे हुए हैं। अभी रिवाइवल तो मिल जाएगा, बट ये कौन है यहाँ पे, इब्राहिम मोविक, लेट्स सी। बट यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया इब्राहिम मोविक की तरफ से, टीम यूजी के इब्राहिम मोविक, और लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है अभी तो। बट टीम यूजी ने जो क्लच किया बहुत ओपी क्लच था, और तीन फिनिशर्स तो यहाँ पे मेरे को इब्राहिम मोविक की तरफ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैक्स का सिद्धू का भी झटके के कृष्ण यहाँ पे नॉक आते हुए, मैक्स अपने प्लेयर्स का बदला लेते हुए, क्या मैक्स को फिनिश, मैक्स ने झटके के कृष्णा को फिनिश कर दिया, और इसी के साथ साथ गैंगस्टर ने यहाँ पे मैक्स के सिद्धू को फिनिश कर दिया, और इसी के साथ साथ मैक्स की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए। बट मैक्स की स्क्वाड एलिमिनेट होते होते अपने जो प्लेयर थे स्क्वाड प्लेयर उसका यहाँ पे बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया इन्होंने ZK से, और ZK के एक प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। सो यहाँ पे TN से वहाँ पे वापस से ज्वाइन करते हो आपको और कास्टिंग को कंटिन्यू करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने टीम DMR एंड डजर्स टीम ब्लैक गैंग के बीच में फाइट हो रही थी, पर अर्जित प्राइस स्पॉट एंड नॉक एंड फिनिश ऑफ करने की कोशिश किया, उनको ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ कर चुके लेकिन अपने आपको कवर में लेके आ चुके, और उनको प्लेयर तरह से उनको रिवाइवल भी देखने को मिल जाएगा। और हम पे पढ़ते हैं फटाफट से बैलेंस गैंग की स्क्वाड की तरफ, हम पे FW के चंदन वगैरह अभी सर्वाइव कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने 4 किस देखकर उन्होंने जो 1v4 किया था कुछ देर पहले, जो कि टीम टोरंटो की स्क्वाड की जो अपार्टमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था, और टीम अर्बन गेमिंग की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जैसे कि आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सेवरनी के अंदर जो फाइट कुछ देर में फाइट या फिर एक तरह से बोल सकते हैं नॉक एंड फिनिश देखने को मिल सकता है कि नहीं, चेकआउट करते हैं और जो जोन बनते हैं जोन वहाँ पे सेवरनी को फेवर करते हैं। TLG के स्क्वाड के साथ काफ़ी बेहतरीन जोन, पे DMR के प्रबंध यहाँ पे अर्जित प्रेस को नॉकआउट करते हैं। इस बार TMR की स्क्वाड के रशन करती है कि नहीं, फिर TCN के चले स्क्वाड को रशन करने रोक पाती है, लेकिन जी ने DMR के सागर में रशन करते हैं, ग्रेनेड से आप एक और नॉक सिक्योर करने की कोशिश, फिर CN के दांते अभी सरा करें क्या उनको क्या नॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर CN के एस्ट्रो की तरफ CN के एस्ट्रो बंदा को नॉकआउट कर चुके। जी हाँ, इस सौम्य किंग ने यहाँ पे CN के अस्त्र को नॉकआउट कर चुके हैं, पूरे स्क्वाड में हेलमेट हो चुके। जी हाँ, टीम CN की स्क्वाड में हेलमेट हो चुके, CN के दांते को यहाँ पे ड्यू ने सिक्योर कर चुके, और हम पे टीम DMR का शूटर 10 किल्स हो चुके, और टीम CN की स्क्वाड में सक्सेसफुल यहाँ पे हेलमेट हो चुके एट द 7th पोजीशन के साथ। तो अब यश नाई को पूरा क्लियर करने के साथ साथ उनको जोन के अंदर एंट्री भी मिल जाएगा, और हम टीम CN अपने आप को फटाफट से जोन के अंदर बढ़ते हुए हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी स्क्वाड अपने जोन के अंदर एंट्री करते हैं, और अपने जो 4th एयरड्रॉप गिरते हैं इस वक्त 4th एयरड्रॉप चेकआउट करते हैं कौन सा वेपन है, और हमें इस वाले एयरड्रॉप के अंदर जी हाँ इसके अंदर MG3 देखने को मिल जाए, और हमें 3 स्क्वाड के बीच MG3 गिर रही है, तो इस ऑफकोर्स चाहते कोई ना कोई स्क्वाड तो एक्सेस करे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर टीम अर्बन गेमिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस वाले एयरड्रॉप को कैप्चर करने का, और आप 0 के लिए उनकी स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उनको पता है कोई ना कोई मेंबर जी यहाँ पर इब्राहिम की तरफ से स्प्रे आ रहे हैं, इब्राहिम ने स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ, हम बढ़ते इब्राहिम पर इनके से हम ऑलरेडी 3 के ओचे उनका छोटा 6 हेल्थ किट है, तो 6 हेल्थ किट इसका मतलब ये है कि लगातार नॉक्स के साथ उनको लगातार ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब चेकआउट करते हैं कि अपने 6 हेल्थ किट के कितना बेहतरीन से यहाँ पे काम निकाल सकते, लेकिन वे FW चंदन ने अपनी तरह से BT करने की कोशिश करें, टीम 0 के लिए टीम 0 के लिए स्क्वाड से फॉल बैक करें, क्योंकि टीम अर्बन गेमिंग के स्क्वाड हमेशा से अपने लिए अब काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। यहाँ पे अर्बन गेम को मार देना काफ़ी ज़्यादा ओपन आता है, लेकिन यहाँ पे काके ओपी का स्पॉटर कर चुके, यहाँ पे काके ओपी डायरेक्टली फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। जी हाँ, FW चंदन के FW चंदन के शॉट 5 किल्स हो चुके, यहाँ पे और पे रशन करते हैं अर्बन गेम को मार दूंगा जोर से कवर फेड देने के लिए, एक तरह से फ्लैंक पे निकल चुके जो फिलहाल के रैली और गैंगस्टर ओपी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बढ़ते हैं FW चंदन जो कि एक तरह 1v2 करने का सिचुएशन है, और उनके साथ 1v2 करने के साथ उनके सामने 1v4 भी हो जाएगा जो कि स्पॉटर कर रहे हैं, और गैंगस्टर को नॉकआउट कर दीजिए, हमें गैंगस्टर को नॉकआउट कर दीजिए काफ़ी बेहतरीन नॉक, और हमें 0 किलो के रैली अभी सर्वे करें, और उनके सामने वापस एक तरह से अपने प्लेयर को हमें बचाने पड़े, लेकिन यहाँ पे टीम अर्बन गेमिंग की स्क्वाड आ जाए, और 0 किलो के रैली को स्पॉटर कर दीजिए, एक और 1v3 कर चुके हैं टीम FW के चंदर जो कि टीम अचीवर की टीम के साथ खेल रहे थे, तो फिलहाल के टोटल 7 किल कर चुके, टोटल 1v3 एंड टोटल 1v4 के साथ, तो एक तरह से टीम
टोरंटो एंड एज टीम आर्बन गेमिंग के स्क्वाड को एलिमिनेट कर चुके हैं। वेबसाइट पर चलना अपना को कॉल बैक करना रहेगा क्योंकि टीम आर्बन गेमिंग के इब्राहिम मोहिक ने उनको 10 स्पॉट कर चुके। एक तरह से डिसेंट सा डैमेज भी देने के तब पे चंदन को फटाफट से हेल्प करना रहेगा, लेकिन उनके साथ के नाम पर कुछ नहीं तो शायद से अभी कॉल बैक करने का डिसीजन आता है जी अपने बगी के साथ। अब उनको फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि टीम आर्बन गेमिंग के स्क्वाड उनको चेजिंग करेगी जी, या फिर चेजिंग करेगी या फिर उनको शायद से नॉक एंड फिनिश आउट करने का डिसीजन रहेगा। वो चेकआउट करते जी उनको चेजिंग करने का डिसीजन था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे अपने व्हीकल में चढ़ते कि नहीं चेकआउट करते। अर्बन गेमिंग में तो 4 किल्स के साथ उन्होंने जोर से जो 1v3 मिस आउट करते हुए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफडब्ल्यू चंदन है एक्सट्रीमली मतलब रिस्क लेके उन्होंने टोटल 3 किल्स और सिक्योर कर चुके हैं। सोमवे किंग को नॉकआउट कर चुके और अपने टीम लॉस्ट के स्क्वाड के द्वारा लॉस्ट कैरी ने सोमवे किंग का किल भी हमें सिक्योर कर चुके जी हाँ। अभी चेरी ने फिर से नॉक निकला और एरी ने सिक्योर किया था। टीम डीआर के स्क्वाड के एक बंदे ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके डीआर के प्रमोद जो विद 1 HP के सर्वे कर रहे हैं, उन पर लगातार फायर देने की कोशिश। अगर प्रमोद का स्पॉट आउट हो जी अगर उनको फटाफट से स्मोक करना चाहिए तो ब्रो आपका स्मोक्स कहाँ पर है, और स्मोक्स नहीं थे तो इसके वजह से डीआर के प्रमोद को शायद किल वगैरह भी सिक्योर हो जाए जी हाँ। लगातार टैप फायर देने की कोशिश डीआर के प्रमोद, उनको फटाफट से जोन के अंदर बढ़ते हुए देखने मिला। डीयू फिलहाल के लिए अपने प्लेयर के लिए शायद थोड़ा सा रिस्क लेके उनको शायद रिवाइवल भी देने के लिए बढ़ रहे हैं, तो चेकआउट करते क्या उनको क्या रिवाइवल मिल पाते कि नहीं। 1 HP का सर्वे करें थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे फिनिश हो जाए। और इस बार इब्राहिम मोहिक ने FW के चंदन को स्पॉट करते और DV पेज पर लगातार फायरिंग आ रहा है। लॉस के चेहरे फिलहाल लूट करते हुए देखने मिल जाए और DV फिलहाल के लिए वापस अपने टीम के साथ रीयूनाइट होने के लिए बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे बोला कि MG3 को क्या एक्वायर कर पाते कि नहीं जी नहीं, शायद से इफ़ नॉट रहा अभी तक एक्वायर नहीं किया, लेकिन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और इब्राहिम मोहिक तो वापस से DMR के प्लेयर को स्पॉट आउट किया था। यहाँ पर इब्राहिम मोहिक ने ऑलरेडी यहाँ पे 4 किल से गोल कर चुके एंड एज यहाँ पे FW चंदन को ही स्पॉट आउट करके हेलमेट कर चुके, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपने लिए नॉक्स एंड किल्स वगैरह सिक्योर कर रहे। और जैसे बोला कि टीम DMR की स्क्वाड जैसे जोन के अंदर एंट्री करेगी और सिवर्नी के अंदर शायद से एंट्री कर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए टीम DLG के साथ से DLG के सामने शायद से फाइट लेगा और DLG भी तो 4 मैच रहने अपने लास्ट जोन तक, तो लास्ट जोन एक 5th जोन तक तो लेके आ चुके, तो अपने जोन के अंदर एंट्री भी उनको इजीली मिल चुका। टीम DMR की स्क्वाड फिलहाल के लिए होल्ड कर रही है अपने पोजीशन और उन्हें इस वाले स्कॉट ने ऑलरेडी 10 तक सिक्योर कर चुके, लेकिन यहाँ पे DMR ड्यू ने एक नॉक करने की कोशिश है। एरी को हम 1 HP कर चुके हैं, यहाँ पे अपने कवर में लेके चले जाएंगे फटाक से। और अपनी टीम लॉस्ट के स्कॉट को लोकेशन पता चले गया कि इस बार ईवल्स की स्कॉट कहाँ पर, जैसे बोला कि DMR के सागर भी फिलहाल DP20 का स्प्रे देने की कोशिश है। डेविल पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डेविल, लेकिन MK14 का स्प्रे MK14 का टैप पर करंट हो जाएगा हैरी की तरफ से। और अपने लॉस्ट के साथ जेरी वगैरह यहाँ पे लॉस्ट के जेरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फ्लैंक पे निकले थे, लेकिन वापस अपने टीम के साथ आ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके वेरस पे जोन है और इस वाले जोन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो ऐसे सेम प्लेयर्स अभी स्पॉट आउट कर रहे हैं, चेरी बढ़ जाए MK40 यहाँ पे स्पॉट करते क्या इस बार क्या डी को क्या नॉक करने का मौका है, क्योंकि उनके सिर्फ 2x है तो 2x से इतना दूर डैमेज दे रहे तो दूर से फाइट ले रहे तो काफ़ी तारीफ है, जबकि उनके प्लेयर्स के सामने 6x है 4x है 3x है तो इतने से डिस्टेंस में 2x का उपयोग कर रहे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो डीवू फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर नॉक मिल जाएगा तो टीम लॉस्ट उन पर रशिंग करके नॉक एंड फिनिश ऑफ कर सकते हैं। और हमें 500 एयर ड्रॉप करते, 500 एयर ड्रॉप बिल्कुल जोन के सेंटर में करते हैं और इस वाले जोन के अंदर चेकआउट चलो ड्रॉप के अंदर चेकआउट करते हैं कि चले इसके अंदर कौन सी वेपन, इसके अंदर सेम है MG3 आ चुकी है क्या टीम अर्बन गेमिंग ने कई सारे एयर ड्रॉप एक्वायर किया जी नहीं, इस वाले एयर ड्रॉप एक्वायर उनको शायद से भूल गए क्योंकि यहाँ पे एक एयर ड्रॉप गिरा था या फिर क्या पता नहीं क्या इशू था, लेकिन अभी तक उस उन पर चढ़ने की कोशिश नहीं करे और ना ही उनको शायद से ट्राई भी कर रहे हैं कि इस वाले एयर ड्रॉप को एक्वायर कर सके। और यहाँ पर अभी 4 स्क्वाड स्टैंडिंग टीम TLG हो गई, टीम DMR हो गई, टीम अर्बन गेम एंड एज वेल एज टीम लॉस्ट के स्क्वाड अभी सर्वे कर रहे हैं, जिसके अंदर टीम DMR के स्क्वाड सिर्फ 2 मैच स्टैंडिंग बच चुके हैं। तो टोटल 4 स्क्वाड्स अभी जोन है मिस्टिंग करते हुए 4th जोन आ चुका है, 5th जोन बन जाएगा जी, 5th जोन अभी सेवरनी को फेवर देते हैं और टीम अर्बन गेमिंग को अपने पोजीशन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड एज वेल फिर इसका जोन के अंदर एंट्री करने के लिए उनके साथ डिसेंट से व्हीकल भी मेरे को देखने को मिल जा रहा है। तो अभी चेकआउट करते हैं कहाँ पर फाइट ले रहे हैं, अभी जिससे क्या टीम DMR की प्लेयर्स क्या वीक फायरिंग दे रहे हैं या फिर क्या नॉक वगैरह सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं जी ने नॉक वगैरह सिक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहे, जोन के अंदर जाना पड़े जोन 200 मीटर्स और सबसे दूर यहाँ पर टीम DLG के प्लेयर्स थे। और हम पे जैसे मैं बोला कि टीम लॉस्ट के प्लेयर्स अभी भी DMR के प्लेयर्स लगातार फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर टीम कर रहे जो काम हो उनकी बाकी के टायर्स अगर पॉप नहीं करेंगे तो जरूर से जोन के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और DMR सागर पर 1 HP का सर्वे कर रहे हैं, लगातार नॉक सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन दोनों प्लेयर्स के तरह से नॉक वगैरह नहीं हो रहा, TLG के रहा नॉकआउट हो जाएंगे जी यहाँ पे आखिर कर रहे फाइट में एंगेज करते हुए TLG के स्क्वाड, लेकिन एक बंदे नॉकआउट हो जाएगा। अमरते इब्राहिम पे
ड्राइविंग वगैरह एक तरह से अपने एंगल्स वगैरह क्लियर करे, और उनको जल्द से पता है कि यहाँ पे व्हीकल वगैरह व्हीकल पर कोई ना कोई, और यहाँ पे शायद से उनका मूवमेंट ग्लिच हो रहा है या फिर उनका गलती ग्लिच हो रहा है, जिस तरह से उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन फायरिंग है। और टी एल टी के रहे फिर ऑप्शन ऑफ पड़ जाए मटन चॉप के अंदर, उनके जैसे काफ़ी बेहतरीन कॉल पर रैंडम उनका फायरिंग किया जा रहा है, दो बंदे नॉक आउट हो जाए। और टी एल जी के और इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी मित्तल को शायद से रिवाइव क्या भी सेम तरीके से फायरिंग आ रहा है, और अभी व्हीकल को ब्लास्ट आउट करने की कोशिश अपने जोन के अंदर एंट्री कर चुके, जोन के अंदर एक तरह से हार्ड कवर भी बना चुके हैं, कब तक सर्वाइव करेंगे तो देखना रहेगा। और टीम अर्बन गेमिंग की स्क्वाड के काफ़ी बड़ा जो जोन है उसको कंटेस्ट करने के लिए कोई भी स्क्वाड नहीं आ पाया, और हमने जरूर से टी एल जी के स्क्वाड के मेंबर को स्पॉट आउट किया था कि आपने सबसे पहले व्हीकल को सेव करने की कोशिश, क्योंकि उनको पता है कि अभी लास्ट जोन है, लास्ट जोन कुछ देर में आएगा, और लास्ट जोन के अंदर उनको जोन के अंदर एंट्री करने के लिए उनको व्हीकल की जरूरत तो पड़ेगी। और अभी टी एल जी के स्क्वाड अपने को वापस से स्टैंड अप कर चुके हैं, नेदरलैंड्स उनके चारों प्लेयर्स का रिवाइवल भी मिल चुका है, और गोस्ट अपने को थोड़ा सा बैंडेज वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बाइसन वगैरह भी प्लेयर्स वगैरह डीवी यहाँ पे नॉकआउट करते हैं, जी हाँ मित्र का स्पॉट एंड डायरेक्ट नॉक काफ़ी बेहतरीन डीवी की तरह से स्प्रे डाउन देखने मिलेगा। और मित्र का टीम वगैरह सिकर करते हैं, और अजय फिलहाल अभी बाइसन का कॉम्बिनेशन चला था, और सेम पोजीशन में सेम सिचुएशन में फंस चुके अजय, लेकिन ज़्यादा टीम अर्बन गेमिंग की तरह से काफ़ी बेहतरीन क्रॉस फायर आ रहा, और लॉस के प्लेयर स्पॉट आउट किए थे, लेकिन यहाँ पे नॉक वगैरह सिकर करने में सक्षम तो नहीं हो पाया। और टीम टी एल जी के स्क्वाड एज मानते ट्रिपल स्टार में स्पॉट गया था, और फिर इवेंट्स के लिए अजय का भी स्पॉट करते हैं, अजय का किल वगैरह से करने की कोशिश है, जोन के बाहर अभी फिलहाल फिर दोनों के दोनों स्पॉट है, जोन के अंदर कोई भी स्पॉट है फटाफट से जोन के अंदर आना पड़ा है। और टी एल जी के में व्हीकल के ब्लास्ट से नॉकआउट होते हैं, सिर्फ वन मैच है नहीं हो, गोस्ट अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए पाए जाएंगे। टीम डी एम आर अपने जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश, हमें स्मोक के थ्रो साइड से टीम टी एल जी के स्पॉट का हेलमेट करके साइड से जोन के अंदर एंट्री करेगी, किल चेकआउट करते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन उन्होंने स्मोक का वॉल बना चुका है। टीम अर्बन गेमिंग जोन के अंदर एंट्री करते हुए देखने मिलते हैं, इब्राहिम पे चलते हैं, इब्राहिम अपने सुनना है सबसे पहले अपने यूएस को निकल चुका, साथ ही जोन के अंदर एंट्री कर चुकी है, और कैसे वाला रिस्क जोन के अंदर, और इस वाले जोन का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हुए देखने मिलते हैं। और टी एल जी के प्लेयर्स अभी फिलहाल अपने को उठा चुके हैं, इब्राहिम वगैरह अपने एंगल से क्लियर करने के साथ एक तरह से हार्ड कवर बनाते हुए देखने मिलते हैं। टीम लॉस के प्लेयर्स हमें काफ़ी बेहतरीन एक तरह से फायरिंग का प्लेयर देख रहे हैं, वहाँ पर उनको फायरिंग करते हुए देखने को मिलता है। लॉस्ट के डेवल विद डिपेंडेड यहाँ पे जेरी वगैरह काफ़ी स्पॉट किया था, बने से कर देंगे कॉल पर आते हुए देखने मिलते, और इब्राहिम ने टी एल जी गोस्ट को नॉकआउट करते हैं, टी एल जी के स्क्वाड में बढ़ते गोस्ट पे हमें रिवाइव तो मिल रहा है, लेकिन केवल थोड़ा सा सेफ खेलते हुए देखने मिलते। इविल्स का डिवीन है एक और नॉक निकलते हुए, फैम नॉट रखें अभी इविल्स का डिवीन अभी यूर के फैनमर को भी नॉकआउट, और अपने मार्टिन के तरफ से एक तरह से फ्लैंक पे निकल चुके हैं, एक तरह से टीम लॉस्ट के पीछे से एंट्री करने की कोशिश, लेकिन एक फ्लैंक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं, ऐसे काफ़ी बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि जोन के अंदर एंट्री करना पड़ा। लॉस्ट के जरिए ने वे इब्राहिम मोई को नॉकआउट कर चुके, इब्राहिम मोई को नॉकआउट कर चुके, इसका मतलब ये है कि टीम अर्बन गेमिंग के सिर्फ वन मैन स्टैंडिंग होता है, जो कि मटन चौक के सामने क्लच मोमेंट करना रहेगा, अपने प्लेयर को हमें रिवाइव देते हुए पकड़े जाएंगे, यहाँ पर चेकआउट होते हैं, फिर हम लोग सक्सेसफुली हमें रिवाइव मिल जाएगा, जरूर से हमें रिवाइव मिल जाएगा। डैमेज देते हैं हमें मॉली से, वहाँ पर फैन नॉकआउट जी हाँ, जो उन्होंने प्री मॉली किया था लॉस्ट के जरिए, उसके वजह से नॉकआउट जाना, लॉस्ट के जरिए जेरी ने पे मटन चौक को नॉक किया, लेकिन हमें मटन चौक को कवर पर देंगे, अर्बन गेमिंग मार दूंगा आ जाएंगे, और जेरी का एक से व्हीकल के थ्रू हम नॉकआउट कर दिए जाएंगे, और अर्बन गेमिंग के स्क्वाड फिलहाल फोर मैन स्टैंडिंग वापस खड़ी होती है कुछ देर में। और डीएमआर के सागर ने टी एल जी गोस्ट को नॉकआउट कर चुके, फटाफट से डीएमआर के सागर चेकआउट करते हैं, के डिवीन स्पॉट आउट कर चुके, अर्बन गेमिंग के टीम लॉस्ट के काफी उपलब्ध है, अजय ने यहाँ पर डीएमआर के सागर को स्पॉट नॉकआउट करते हैं, और व्हीकल की ब्लास्ट करने की कोशिश टीम डी एल जी से लॉस्ट के जरिए ने यहाँ पर फैनम का फिलहाल सिक्योर कर चुके हैं। लॉस्ट के जरिए के द्वारा लॉस्ट के जरिए अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके अब दो बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, लेकिन उनको फटाफट से जोन के अंदर एंट्री करना पड़ा, जोन के अंदर कोई भी स्कोर नहीं, जोन के अंदर एंट्री करने के फिलहाल सेकिंग स्नेकिंग का मेथड यूज़ करना पड़े, लेकिन जो चेरी है चेरी की पोजीशन शायद से जोन के अंदर जिन्हें जोन के अंदर नहीं है, लेकिन टीम स्कॉट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खेलते हैं, उन्होंने सबसे पहले डी एल जी कोच को विद डी P28 के स्प्रे के द्वारा, लेकिन फिलहाल सभी भी सेफ है, उनको फटाफट से रेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अजय उनको पता है अजय क्या सभी बाइसन जैसे वेपन तो बाइसन जैसे वेपन से अपने पोजिशन को होल्ड नहीं कर पाए, और टी एल जी गोस्ट का किल सिक्योर कर चुके हैं डी आर के प्रमोट कर
प्रमोद के द्वारा और अजय एफ टी डब्ल्यू अभी बाइसन को रन करते हुए केयर अभी प्रॉन डाउन है, उनको पता है अगर अपनी पोजिशन अगर रिवील करते तो काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है और आरपी नहीं बढ़ता है भी काफ़ी ज़्यादा किसी पुश करते हैं लास्ट कैरी को स्पॉट आउट कर दिया जाएंगे भाई डिवी कर कृपया आरपन के भी वहाँ पर बैक स्टेप देने की कोशिश अपने जोन को कैपिटलाइज करते हुए देखने मिल जाए और अगर जोन के अंदर एंट्री करने की क्या वो टीम लॉस्ट से क्या फाइट लेगी कितने चेकआउट करते हैं लॉस्ट कैरी हम नॉकआउट हो जाएंगे लॉस्ट की चेरी वगैरह भी सर्व कर दीजिए लॉस्ट की चेरी जो भी दस सिंगल मैच स्टैंडिंग अपने आपको ट्रिक को कवर करते हुए और एल जी के अजय के द्वारा नॉकआउट हो जाएंगे कि अजय विद्यमान सिंगल एच पी के सर्वाइव कर रहे थे लेकिन फिलहाल के अपने को हिल डाउन कर देंगे यूज कर को कुछ ना कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा अर्बन गेम मार दूंगा अपने को दोस्तों डैमेज इनिशिएट कर चुका और इब्राहिम मोहित पे चेकआउट करते हैं अभी लॉस्ट के चेरी को स्पॉट आउट किया तो यूज कड्यू अपने नॉकआउट हो जाए लॉस्ट के चेरी का खेल फिलहाल सिक्योर कर जाए और टीम लॉस्ट टाइम हेलमेट हो जाएगा एट दिया उनको स्पॉट आउट कर दिया जाएगा सॉरी मैं बड़े इब्राहिम मोहित के द्वारा ये हमारे सागर का खेल सिक्योर हो जाए थ्री वी टू सिचुएशन में टीएल सिक्योर है नॉकआउट हो जाए अजय फिलहाल के जोन के बाहर से एंट्री करें अपने को प्रोन डाउन करना पड़ेगा वरना भी वो भी स्पॉट आउट हो जाएंगे जैसे वाला स्पॉट आउट हो चुके थे और टीम अर्बन गेमिंग की स्पॉट गेटिंग द फर्स्ट सेकंड फॉर टुडेज मैच में टोटल 10 किल्स का जिसके अंदर इब्राहिम मोहित ने टोटल 6 फिनिश सिक्योर करते हुए एक तरह से वन ऑफ द एमवीपी बन चुके आज के मैच के अंदर क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा किल्स तो मेरे को सिंपल चाहिए इवेंट्स के ड्यू के बाद देखने मिले वो जो कि उन्होंने भी 6 किल सिक्योर के लेके अपने आप को थर्ड पोजीशन में हेलमेट हो चुके तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं उनके इस इन दोनों प्लेयर में से कौन आज के मैच के एमवीपी बने हुए तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आ चुके नहीं सॉरी माय बैड यहाँ पे अपने एक एमवीपी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है तो उसके बारे में आपको कुछ देर बताता हूँ अभी टीम टीएलजी आ चुके सेकंड पोजीशन में टोटल 1 फिनिशर विद थर्ड पोजीशन में आ चुके टीम डीएमआर विद टोटल 14 फिनिशर यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में आ चुके टीम लॉस्ट विद टोटल 7 फिनिशर यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में आ चुके टीम एफटीडब्ल्यू चंदन विद टोटल 7 फिनिशर तो आज के एमवीपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोज टू द चंदन तो यहाँ पे टीम अचीवर्स के एक ही बंदे ज्वाइन हुए लेकिन उन्होंने सक्सेसफुल यहाँ पे दो स्क्वाड के हेलमेट के तो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है और अपने लिए जरूर से फिफ्थ पोजीशन भी सिक्योर कर चुके आज के मैच के तरफ तो अपने सिक्स पोजीशन आ चुके टीम जीरो के हेलमेट विद टोटल 2 फिनिशर सेवन पोजीशन आ चुके टीम सी एन विद 1 फिनिशर यहाँ पे 8th पे आ चुके टीम बैलेंस गैंग विद 0 फिनिशर 9th पे आ चुके टीम मैक्स विद 1 फिनिशर 10th पे आ चुके टीम एक्सट्रीम विद टोटल 2 फिनिशर यहाँ पे 11th पोजीशन पे आ चुके टीम टोरंटो विद टोटल 5 फिनिशर यहाँ पे उन्होंने अपार्टमेंट में एक स्क्वाड का हेलमेट के साथ ही साथ एक और बंदे का हेलमेट भी कहते लेकिन यहाँ पे चंदन के द्वारा हेलमेट हो चुके थे लेकिन वो जो डीबीएस का जो शॉट्स वगैरह तो उसको जरूर से मिस आउट कर चुके लेकिन जब भी ये वाला वीडियो अपलोड होगा अगर तब चंदन वगैरह देख रहे होंगे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने रिकॉर्ड वगैरह किया है कि ना अगर आपने रिकॉर्ड किया तो जरूर से हमको इंस्टाग्राम पर टैग करना मत बोलना अगर आप अपलोड करते हो तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे तो 12th पोजीशन आ चुके टीम सी वी विद 3 फिनिशर अब 13th पोजीशन आ चुके टीम कपाटा विद टोटल 0 फिनिशर हमें 14th पोजीशन आ चुके टीम इंसान में 2 फिनिशर हमें 15th पोजीशन आ चुके टीम 0-7 विद टोटल 0 फिनिशर एंड अभी 16th पोजीशन आ चुके टीम कॉस विद टोटल 1 फिनिशर एंड अभी 17th पोजीशन सिक्योर करती है बाय टीम R3 विद टोटल 0 फिनिशर तो आज का हमारा सेकंड मैच के रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने तो हम पे अर्बन गेमिंग ने अपने एक चिकन सिक्योर करते हुए एक इजी चिकन विद टोटल 10 फिनिशर्स के तो हम पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए टीम अर्बन गेमिंग को यहाँ पे जरूर से जी जी बोलते हुए एंड एज वेल एज सभी से कहना चाहता हूँ जितने भी बंदे देख रहे हैं आज के वीडियो तो जरूर से लाइक कर देना एंड एज वेल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं ठोका तो साथ ही आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि आप कौन से स्क्वाड की तरफ से खेल रहे थे और आपके स्क्वाड ने कौन सा पोजीशन वगैरह सिक्योर किया है तो यहाँ पे जरूर से कमेंट करना मत भूलना एंड एज आप मुझसे जो भी देख रहे हैं अगर आपको हमारे स्क्रीन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है एंड एज आपको हमारे स्क्रीन वगैरह में ज्वाइन करना तो आपको कुछ नहीं करना आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया डिस्कॉर्ड का लिंक एंड एज व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक होगा तो वहाँ पे ज्वाइन करके आपको एडमिन को कॉन्टैक्ट करना है तो वहाँ पे हम रेगुलरली हम सारे शेड्यूल वगैरह अपलोड करते हैं साथ ही पोस्ट करते हैं तो जरूर से इसको भी ज्वाइन देख सकते हो तो यहाँ पे सभी से कहना चाहता हूँ कि जरूर से लाइक मार देना वीडियो एंड एज वेल एज सब्सक्राइब ठोक देना क्योंकि वी आर सो क्लोज टू 700 सब्स तो 700 सब्स का रोड चालू हो चुका है तो फिर अगर मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी मार देना तो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे एंड होते हुए